Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 29 July 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about free movement regime at India Myanmar border. This topic is important from a syllabus GS paper to international relations point of view. तो देखिए इंडिया म्यांमार का बॉर्डर लगभग 1643 किलोमीटर लॉन्ग है और इंडियन साइड से चार स्टेट्स अरुणाचल प्रदेश नागालैंड मणिपुर और मिजोरम म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं अब ये जो इंडिया म्यांमार का बॉर्डर है यहाँ पे 16 किलोमीटर वाइड एक आप समझिए कॉरिडोर बनाया हुआ है जिसको नाम दिया गया है फ्री मूवमेंट रेजीन सिक्सटीन किलोमीटर वाइड ये जो सिक्सटीन किलोमीटर वाइड कॉरिडोर है जिसको नाम दिया गया फ्री मूवमेंट रेजीम यहाँ पे जो दोनों साइड के ट्राइबल फैमिलीज़ हैं, ट्राइबल लोग हैं वो एक दूसरे से मिल सकते हैं यानी कि बॉर्डर पार कर सकते हैं विदाउट रिक्वायरमेंट ऑफ एनी वीजा तो किलोमीटर वाइड एक कॉरिडोर है जिसका नाम है फ्री मूवमेंट रेजीम और वहां पे ट्राइबल्स को बॉर्डर पास करने के लिए एक साइड से दूसरे साइड जाने के लिए कोई वीजा की जरूरत नहीं होती है इसी को नाम दिया गया है फ्री मूवमेंट रेजिम सिस्टम एंड दिस या फ्री मूवमेंट रेजिम सिस्टम रेज्यूम सिस्टमेंटेड इन टू थाउजेंड एटीन रिजल्ट ऑफ इंडिया पॉलिसी तो फ्री मूवमेंट रेजिम सिस्टम आखिर लाया क्यों गया तो so, इसके दो फैक्टर हैं बेसिकली कल्चरल फैक्टर एंड इकोनॉमिक फैक्टर जिसके कारण फ्री मूवमेंट रेजिम सिस्टम लाया गया कल्चरल फैक्टर का मतलब है कि देखिए ये जो बॉर्डर डिमार्केशन है इंडिया और म्यांमार के बीच में दैट वाज डन बाय ब्रिटिशर्स इन 1826 और ये डीमार्केशन जो है बॉर्डर का दैट वाज डन इन अ वेरी अननेचुरल मैनर द बॉर्डर इज क्वाइट अननेचुरल मतलब एक ही परिवार के लोग हैं कुछ का घर इंडियन साइड में पड़ गया कुछ का म्यांमार साइड में पड़ गया बिकॉज द डिमार्केशन वॉज नॉट डन आफ्टर प्रॉपर सर्वे ऑन द लैंड तो इस तरीके से इन्होंने डिमार्केशन की है बाउंड्री की Rocky है जो काफी अननेचुरल है एक ही कम्युनिटी के एक ही परिवार के लोग भी डिवाइड हो गए हैं फ्यू पीपल आर ऑन द वन साइड ऑफ द बॉर्डर अदर्स आर ऑन द अदर साइड ऑफ द बॉर्डर अब इस कारण से काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स होती रही हैं ट्रेडिशनली एक साइड से दूसरे साइड में लोगों को अपनी ही फैमिली अपने कम्युनिटी के लोगों से मिलने के लिए तो ये कल्चरल नीड्स को लोगों के ध्यान में रखते हुए फिर भारत सरकार ने म्यांमार सरकार के साथ एग्रीमेंट साइन किया इसके अंतर्गत फिर हमने फ्री मूवमेंट रेजीम सिस्टम डेवलप किया और दूसरा है इकोनॉमिक फैक्टर देखिए यहाँ के जो लोग हैं लोकल ट्राइब्स वो एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा जो लोकल आइटम्स हैं उसमें ट्रेड करते हैं क्रॉस बॉर्डर ट्रेड जो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड है जनरली बार्टर सिस्टम के फॉर्मेट में होता है इसको हम लोग बॉर्डर हार्ट पे ये ट्रेड कंडक्ट कराए जाते हैं बार्टर सिस्टम के थ्रू थ्रू बॉर्डर हार्ट्स सप्ताह में दो या तीन दिन ऐसे बॉर्डर हार्ट लगते हैं जहां पे फिर बार्टर सिस्टम के थ्रू ये क्रॉस बॉर्डर ट्रेड होता है तो लोकल इकोनॉमी को काफी ज्यादा इससे फायदा होता है तो इसीलिए फ्री मूवमेंट रेजिंग सिस्टम बनाया गया जिससे ये जो लोकल ट्रेड है बिटवीन द कम्युनिटीज ऑफ पीपल फ्रॉम द टू साइड्स ऑफ द बॉर्डर वो बढ़ पाए और लोकल इकॉनॉमी को फायदा हो पाए प्रॉब्लम वाली बात ये है कि ये जो फ्री मूवमेंट रेजिंग सिस्टम है ये 2018 में लाया गया था भारत सरकार ने म्यांमार सरकार के साथ अग्रीमेंट साइन करके इसको लाया था 2018 में तो वहां पे एन की सरकार थी मतलब एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी तो उसके साथ भारत सरकार के काफी अच्छे कोऑपरेशंस थे काफी अच्छा कोऑर्डिनेशन था लेकिन 2021 में म्यांमार के अंदर फिर मिलिट्री कू हुआ मिलिट्री कु मतलब वहां की आर्मी ने वहाँ के डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटा करके पावर अपने हाथ में ले लिए तो वहाँ जिसकी अब सरकार है वो है उसको हम लोग कहते हैं मिलिट्री जनता, मतलब डिक्टेटरशिप ऑफ द आर्मी जिसको वहाँ पे मिलिट्री जनता रूल कहा जाता है मिलिट्री जनता रूल तो डिक्टेटरशिप ऑफ आर्मी वहां पे जब लॉट के आई उसके बाद से धीरे धीरे म्यांमार इज साइडिंग विद चाइना तो जब तक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी तब तक इंडिया के साथ बेहतर कोऑर्डिनेशन थे बट नाउ आफ्टर रिटर्न ऑफ मिलिट्री जनता म्यांमार इज कोऑर्डिनेटिंग विद चाइना और तब से ये जो फ्री मूवमेंट रेजीम सिस्टम है जो हमने म्यांमार के साथ लाया था दैट इज क्रिएटिंग मोर प्रॉब्लम्स रादर देन हेल्पिंग अस किस किस तरीके से प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं वो जरा देखते हैं देखिए एक तो इंडिया म्यांमार का बॉर्डर ऑलरेडी काफी रक्ड है रक् मतलब टूटा फूटा कहीं पहाड़ियां हैं डेंस फॉरेस्ट्स हैं रिवर्स हैं तो रग्ड टेरेन होने के कारण जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसी है आसाम राइफल्स जिसकी जिम्मेदारी है इंडिया म्यांमार बॉर्डर को गार्ड करना उनके लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है इस बॉर्डर को पूरी तरह से गार्ड कर पाना और इन इलीगल इन्फिल्ट्रेशन होते रहते हैं म्यांमार साइड से उसके अलावा आप देखो द बॉर्डर इज वेरी क्लोज टू गोल्डन ट्राइंगल रीजन आपको मैंने पहले भी कई दफा बताया है ये वाला जो एरिया है म्यांमार या उससे आगे वाला एरिया इसको हम लोग कहते हैं साउथ ईस्ट एशिया साउथ ईस्ट एशिया के अंदर एक एरिया ऐसा है जिसको कहा जाता है गोल्डन ट्राइंगल एरिया बेसिकली स्पैन करता है म्यांमार लाओस और थाईलैंड के बीच में ये जो एरिया है इट इज नोटोरियस ये आप कह सकते हैं बदनाम है फॉर ग्रोइंग ओपीएम और यहाँ पे बहुत सारा इलीगल तरीके से ओपीएम उगाया जाता है और वो ओपीएम फिर हमारा देश का ये जो बॉर्डर है इंडिया म्यांमार बॉर्डर इट इज क्वाइट रग्ड तो यहाँ पे इलफिल्ट्रेशन करना आसान है तो इस बॉर्डर के थ्रू कई सारे इलीगल स्मगलर्स स्मगलर्स तो इलीगल ही होंगे स्मगलर्स डू स्मगलिंग ऑफ द ओपीएम इन आवर कंट्री और ये एक बड़ा कारण है बिहाइंड हाइयर ड्रग अब्यूज इंस्टेंसेज इन नॉर्थ ईस्ट बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉक्सिमिटी विथ गोल्डन ट्राइंगल तो तीन चार चीजें एक साथ हो गई हैं एक देखिए जैसे इंडिया म्यांमार का बॉर्डर है यहां पे फोकस कीजिए एक तो रग्ड टेरेन डिफिकल्ट है इसको गार्ड कर पाना उसके ऊपर से हमने फ्री मूवमेंट रेजिम का कांसेप्ट ला दिया 2018 हजार अट्ठारह से विच हैजरेडी टू ग्रेट एक्सटेंट अलाउड फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस द बॉर्डर जिसने इनडायरेक्टली इलीगल इन्फिल्ट्रेशन को भी प्रमोट किया है तीसरा मिलिट्री जनता का रूल इन म्यांमार ये तीन चीजों ने एक साथ मिल करके जो ड्रग ट्राफिकिंग के केसेस हैं साउथ ईस्ट एशिया से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की तरफ वो ड्रग ट्राफिकिंग के केसेस बढ़े हैं इंसर्जेंसी के केसेस बढ़े हैं तो ये सारे प्रॉब्लम्स तो हम लोग फेस कर ही रहे थे इन नॉर्थ ईस्ट एनी इंसर्जेंसी का प्रॉब्लम ज्यादा है कई सारे इंसर्जेंट ग्रुप जैसे कि अल्फा एन एस सी एन ये लोग क्या करते हैं ये म्यांमार साइड में अपने कैंप लगा करके रहते हैं वहां से फिर ये इंडिया के अंदर टेरोरिज्म फैला करके वापस से म्यांमार के अंदर ये सेटल चले जाते हैं और वहां पे चूंकि मिलिट्री जनता की सरकार आ गई है तो वो इनको इनडायरेक्टली या इम्प्लिस सपोर्ट कर देती है राधर देन हेल्पिंग इंडिया टू एलिमिनेट देन जब तक यहाँ पे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी तब तक दोनों भारत और म्यांमार मिलकर के कोऑर्डिनेट करते थे तो एलिमिनेट द इंसर्जेंसी और इंसर्जेंट ग्रुप्स ऑपरेटिंग फ्रॉम द सॉयल ऑफ म्यांमार अगेंस्ट इंडिया लेकिन वहाँ पे मिलिट्री जनता के, के बाद थोड़ी सी बदल गई तो का प्रॉब्लम था ही ड्रग ट्राफिकिंग का प्रॉब्लम था ही बिकॉज ऑफ ड्रग टेरेन मिलिट्री जनता इन म्यांमार और फ्री मूवमेंट रेजीज करंट कॉन्टेक्स्ट में हम ये क्यों पढ़ रहे हैं वाई वी आर मोर कंसर्न अबाउट दिस इन करंट कॉन्टेक्स्ट ये जो मणिपुर के अंदर अभी एथनिक वायलेंस देखा जा रहा है कुकीज और मीतीस के बीच में आपको तो वहां का डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर पता ही है जो वैली एरिया में रहने वाले लोग हैं वो हैं मीतीस उनकी पॉपुलेशन मेजोरिटी में है हिली एरिया में रहने वाले हैं कुकीज एंड नागास तो ये जो मौजूदा कंफ्लिक्ट चल रहा है ये कुकीज और मीतीस के बीच में चल रहा है तो ये अब हाल फिलहाल में जो मीती कम्युनिटी के लोग हैं इनका एलिगेशन लगाना है कि कुकी जो है जो खासकर ये खास में पार्टिसिपेट कर रहे हैं मोस्ट ऑफ दिस कुकीज़ आर बेसिकली इलीगल इमिग्रेंट्स फ्रॉम फ्रॉम म्यांमार ये म्यांमार से आए हुए इलीगल इमिग्रेंट्स हैं ऐसा नीतीज का एलिगेशन है ऑफकोर्स कुकीज से कि नीतीज जो है वो फॉल्स एलिगेशन लगा रहे हैं बेसिकली नीतीस कुकीज का कहना है कि जो वहां की सरकार है हेडेड बाई चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह अब चूंकि एन बीरेन सिंह ऑल्सो कम्स फ्रॉम मीति कॉम्युनिटी तो कूकीज उनके ऊपर भी एलिगेशन लगा रहे हैं कि एन बीरेन सिंह इज ऑल्सो नॉट टेकिंग अट्रोसिटीज ऑफ मीतिज वेरी सीरियसली अगेंस्ट कुकीज तो मुद्दा यह है कि कुकीज का कहना है कि ये फॉल्स एलिगेशन है हम लोग इंडियन सी हैं मीतीज का कहना है कि ये सब इलीगल इमिग्रेंट्स हैं फ्री मूवमेंट रिजीम का फायदा उठा करके इंडिया में आ गए और यहाँ पे डिस्टर्बेंसेज क्रिएट कर रहे हैं चाहे देखिए अब फैक्ट जो भी हैं कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी के पीछे ड्रग ट्राफिकिंग के पीछे दो प्रॉब्लम्स तो ऑलरेडी थे क्वेश्चन कि क्या 2018 में हमने फ्री मूवमेंट रेजिंग म्यांमार के साथ स्टेब्लिश करके सही किया या गलत एंड इज इट द टाइम व्हेन वी डू अवे ऑफ फ्री मूवमेंट रेजिंग इन ऑर्डर टू मेक आवर बॉर्डर है यह सोलह किलोमीटर का लंबा जो ये फ्रैच है यहाँ पे है यह ट्राइब्स लिविंग ऑन द बॉर्डर कैन मूव विदाउट वीजा रिक्वायरमेंट बिकॉज ऑफ दिस फ्री मूवमेंट रेजिंग सिस्टम फ्री मूवमेंट रेजिंग एज ए रिजल्ट ऑफ आर्ट ईस्ट पॉलिसी पर्पस है कल्चरल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ द पीपल साइड करंट इशूज यही है कि पोरस बॉर्डर तो था ही रगर के कारण मिलिट्री जनता का रूल दूसरा प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ दो हजार इक्कीस में और फ्री मूवमेंट रेजिंग इन तीन चीजों ने मिलकर के नॉर्थ ईस्ट के अंदर इनस्टेबिलिटी को वापस से प्रमोट करना शुरू कर दिया है ड्रग स्मगलिंग का प्रॉब्लम बढ़ गया है इंसर्जेंसी का प्रॉब्लम बढ़ गया है और जो मौजूदा एथनिक कंफ्लिक्ट है इसको भी फ्री मूवमेंट रेजीम से जोड़ करके देखा जा रहा है 3, हर साल 29 जुलाई को यानी कि आज के दिन इंटरनेशनल टाइगर डे ऑब्जर्व किया जाता है इस दिन को इसलिए ऑब्जर्व किया जाता है ताकि टाइगर के कंजर्वेशन को हम लोग प्रमोट कर सके और उससे रिलेटेड अवेयरनेस क्रिएट कर सके पूरे दुनिया भर में इंटरनेशनल टाइगर डे 2010 से 2010 से ही ऑब्जर्व किया जा रहा है वर्ल्ड वाइड 2010 में हुआ क्या था कि सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट बुलाई गई थी रशिया में सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट का पर्पस था कि जितने भी टाइगर रेंज कंट्रीज हैं यानी कि ऐसे देश जहां पे टाइगर मिलते हैं वो देश इकट्ठा हो और टाइगर के कंजर्वेशन को मिलकर के कोई कलेक्टिव इनिशिएटिव ले तो इसीलिए सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट बुलाया गया था 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट में टारगेट लिया गया था टू इंट इन्ट, टी इंटू टू फॉर टाइगर्स टी इंटू टू का मतलब था कि 2010 की तुलना में 2022 तक टाइगर्स की संख्या हम लोग डबल कर देंगे जो भी तेरह देशों ने पार्टिसिपेट किया था उन्होंने टी इंटू टू टारगेट रखा था अपने लिए कि जो भी आज टाइगर्स की पॉपुलेशन है उसका डबल कर देंगे बाय ट्वेंटी ट्वेंटी टू और यही सेंट समिट जो 2010 में कराई गई उसके बाद से चूकी 29 जुलाई के आसपास ये कराया गया था तो उनतीस जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे दे, डिक्लेयर कर दिया गया देखिए इंडिया के अंदर अगर टाइगर्स की बात की जाए तो टाइगर्स की पॉपुलेशन लगातार बढ़ी है और आज के डेट में हमारे देश के अंदर अच्छे खासे टाइगर की पॉपुलेशन हो गई है लगभग तीन दैट वॉज द population पॉपुलेशन एज पर latest सेंसस कंडक्टेड इन दर ट्वेंटी ट्वेंटी टू हमारे देश में हर चार साल पर टाइगर सेंसस होता है यानी कि टाइगर्स की पॉपुलेशन की गिनती होती है दो हजार से आप देख रहे हैं डेटा लगातार टाइगर की पॉपुलेशन बढ़ी है और आज के डेट में पूरे दुनिया भर के लगभग सेवेंटी परसेंट टाइगर हमारे देश में लेकिन ऐसा हमेशा से नहीं था एक वक्त ऐसा था जब हमारे देश के अंदर टाइगर की पॉपुलेशन काफी कम हो गई थी इन 1973 हमारे देश में सिर्फ 268 टाइगर्स थे इतने कम टाइगर्स थे उनकी पॉपुलेशन लगातार गिर रही थी इसी कारण से 1973 में भारत सरकार ने शुरू किया था प्रोजेक्ट टाइगर विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्रीजिंग और रिवाइविंग टाइगर पॉपुलेशन प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया और आप देखिए हाउ सक्सेसफुल इट वाज 1973 में टाइगर्स की पॉपुलेशन थी 268 आज एक सौ सड़सठ थ्री थाउजेंड वन हंड्रेड सिक्स मेकिंग इंडिया द लार्जेस्ट टाइगर पॉपुलेशन कंट्री इन द वर्ल्ड तो प्रोजेक्ट टाइगर हमारे देश का आप समझिए इन्वायरमेंट रिलेटेड द मोस्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है इसी के लाइन में बाद में प्रोजेक्ट एलिफेंट प्रोजेक्ट चीता ये सब लगाया चलाया गया प्रोजेक्ट स्नो आई एम सो सॉरी प्रोजेक्ट चीता नहीं तो प्रोजेक्ट टाइगर इज द मोस्ट सक्सेसफुल एग्जाम्पल ऑफ इन सी टू कंजर्वेशन ऑफ टाइगर्स इन सीटू मतलब जहां ओरिजिनल टाइगर्स हैं उन पॉपुलेशन वहां पे उनको कंजर्व किया जाए इन सीटू इन सीटू और एक्स सीटू कंजर्वेशन पे भी सवाल आया था एपीएससी मेंस में एक्स सीटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल हो जाएगा जो हमारे जू होते हैं बाहर से स्पीशीज को लाया जाता है और जू में वहां पे प्रोटेक्ट किया जाता है एक्सी टू मतलब कहीं ट्रांसलोकेट करके कहीं और ले जाकर के उनको प्रोटेक्ट किया जाए तो वो था एक्स एक्सिटू चीता का प्रोटेक्शन भी तो एक्स एक्सी टू का एग्जाम्पल है उनको नामीबिया से और हम साउथ अफ्रीका से लाए हैं बट प्रोजेक्ट टाइगर ऑन इन सीटू। जहां पे टाइगर है वहीं पे उनकी पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट किया जाए इट स्टार्टेड इन 1973 एज अ सेंट्रल स्कॉन्सर्ड स्की मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स मिलकर के इंप्लीमेंट करेंगे और फिर बनाया गया नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है वो बनाया गया था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत और ये नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का काम होता है प्रोजेक्ट टाइगर को इम्प्लीमेंट करना हर चार साल पे टाइगर सेंसस कराना और अलग अलग जो टाइगर रिजर्व आप सुनते हैं स्पेसिफिक एरियाज डिक्लेयर्ड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ टाइगर पॉपुलेशन जिसको हम लोग कहते हैं टाइगर रिजर्व वो भी डिक्लेयर करता है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी तो मैं एक बार फिर से रिवाइज करा दूं प्रोजेक्ट टाइगर को इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की क्रिएटेड अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 यह प्रोजेक्ट टाइगर के अलावा हर चार साल पर टाइगर सेंसस कराता है और टाइगर रिजर्व डिक्लेयर करता है इंटरनेशनल टाइगर डे ट्वेंटी जुलाई सिंस टू आफ्टर सेंट पीटर्स टाइगर समिट

इनिशिएटिव है हमारे देश के अंदर जो भी सरकारी स्कूल है उनमें से लगभग चौदह हजार पांच सौ सरकारी स्कूल को चुना जाएगा गवर्नमेंट स्कूल को चुना जाएगा गवर्नमेंट स्कूल्स को अपग्रेड किया जाएगा अंडर पीएम श्री स्कीम तो वहां पर टीचिंग स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव किया जाएगा इंटीग्रेटेड एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे फोकस किया जाएगा मतलब रटाने पे काम ना करके बच्चों को एक्सपीरियंस दिला करके एक्सपेरिमेंट्स करा करके नॉलेज दिया जाएगा टॉय बेस्ड लर्निंग कराई जाएगी यानी कि फन बेस्ड लर्निंग कराने की कोशिश की जाएगी दैट इज द गोल ऑफ पीएम श्री स्कीम तो बेसिकली एजुकेशन पे स्कूल cool एजुकेशन पे कभी भी सवाल आ जाएगा स्कूल एजुकेशन को कैसे इंप्रूव करना है तो वहां पे आप पीएम श्री स्कीम का जिक्र कर सकते हैं हाल फिलहाल में न्यूज में क्यों आया क्योंकि अनाउंस तो भारत सरकार ने पिछले साल ही कर दिया था कि वो लोग पीएम श्री स्कीम लेकर के आएंगे बट रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अनाउंसड रिलीज ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अंडर पीएम श्री स्कीम फॉर इट्स इंप्लीमेंटेशन पीएम श्री स्कीम फॉर अपग्रेडेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ फोर्टीन गवर्नमेंट स्कूल्स हॉलिस्टिक इंटीग्रेटेड एंड टॉय बेस्ड लर्निंग नेक्स्ट इज अब सेमिकॉन इंडिया ट्वेंटी थ्री दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर मार सिलेबस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर इंडियन इकोनमी तो ब्रीफली समझ लिए सेमी कंडक्टर्स क्या होते हैं देखिए सेमी कंडक्टर्स को समझने से पहले हम लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं कंडक्टिविटी का कंडक्टिविटी सिंपली मीन्स की कौन सा प्रोडक्ट या कौन सा आ, आप समझ कह सकते हैं मैटर इलेक्ट्रिक चार्जेस को अपने थ्रू इजिली मूव होने देता है अगर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज कोई भी मैटर अपने थ्रू इलेक्ट्रिक चार्ज को ईजिली मूव होने देता है तो इसका मतलब वो कंडक्टर है और उसकी कंडक्टिविटी काफी अच्छी है अगर इलेक्ट्रिक चार्जेस को वो अपने थ्रू इजली मूव होने नहीं देता है तो उसका मतलब इट इज एन इंसुलेटर उसकी कंडक्टिविटी खराब है जैसे वुड वुड के थ्रू तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास होती ना तो इसका मतलब उसकी है उसकी कंडक्टिविटी खराब है इट इज नॉट अ कंडक्टर वहीं अगर किसी मेटल की बात की जाए तो उसकी कंडक्टिविटी अच्छी है

अभी कंडक्टर जो है उसके इस प्रॉपर्टी के कारण कि वो पूरी तरह से इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिसिटी को पास भी नहीं होने देता लेकिन पूरी तरह से इंसुलेट भी नहीं करता सेमी कंडक्टर की ये जो आ, उसकी आ, एसेंस है दैट मेक्स इट ए वेरी इंपॉर्टेंट मैटर फॉर मेकिंग चिप्स जो चिप होते हैं डिजिटल चिप वो सेमीकंडक्टर से बनते हैं इंडस्ट्रियल सर्किट्स बनाने में सेमीकंडक्टर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है और यही कारण है कि मॉडर्न जितने भी गैजेट्स हैं जैसे मॉडर्न ऑटोमोबाइल्स हो गए मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो गए जैसे वॉचेस मोबाइल फोन लैपटॉप्स इन सब में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता रहा है सेमी का तो आज के डेट में सेमी और उनकी वही खासियत कि वो ना ही पूरी तरह से कंडक्टर है ना ही इंसुलेटर है वो उनको सेमीकंडक्टर बनाता है और सेमीकंडक्टर की मदद से इंपॉर्टेंट मॉडर्न चिप बनते हैं gadgets, like के की अगर बात की तो इंडिया इसमें काफी ज्यादा पीछे है लैगिंग बिहाइंडी इंडिया का स्टेटस कुछ ऐसा है वर्ल्ड लीडर है इसमें यूएस साउथ कोरिया ताइवान चाइना भी पिक करने की कोशिश कर रहा है सेमी कंडक्टर इस द रिसेंट टेक्नोलॉजी रिसेंट तो आप नहीं कह सकते बट द मोस्ट सिग्निफिकेंट टेक्नोलॉजी इन करेंट टाइम्स अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी बूस्ट करना है तो वी विल हैव टू बूस्ट और रिवाइव द सेमी कंडक्टर मैनुफेक्चरिंग इन इंडिया तो सेमी कंडक्टर को जब तक हम लोग बाकी देशों से इंपोर्ट करते रहेंगे यूएस से चाइना से जब तक हम उन पर डिपेंडेंट रहेंगे तब तक इंडिया काफी ज्यादा वॉलरेबल है एज फार एज इट्स मोबाइल और लैपटॉप प्रोडक्शन इस तो पूरा का पूरा डिजिटल इंडिया आप कह सकते हैं पूरा का पूरा हमारा इलेक्ट्रॉनिक मार्केट जो है वो सेमीकंडक्टर पे बेस्ड और इंडिया सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन में काफी पीछे है एंड वी आर मोस्टली इंपोर्टिंग फ्रॉम कंट्रीज लाइक ताइवान यूएस विच मेक्स अस वर्लनरेबल किसी कारण से सेमी कंडक्टर की सप्लाई कम हो गई तो दैट विल हैव हाँ डायरेक्टली नेगेटिव इंपैक्ट ऑन द इकोनॉमी जैसे पैंडेमिक के टाइम में सेमी कंडक्टर की सप्लाई कम होने के कारण ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन पे काफी ज्यादा असर पड़ा अगर आपने भी सुना होगा कार खरीदने में वेटिंग पीरियड छ छह महीने एक एक साल का हो रहा था पैंडेमिक के बाद उसके पीछे बड़ा कारण था सेमी कंडक्टर की सप्लाई का गिर जाना क्योंकि ऑटोमोबाइल जो ऑटोमेटिक सिस्टम्स है सारे उसमें तो सेमी कंडक्टर का इस्तेमाल होता है तो भारत सरकार ने इंडियन इकोनॉमी की इस वर्नरेबिलिटी को आइडेंटिफाई करते हुए फिर फैसला किया कि वो सेमी के प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे इसी के लिए हमारे देश में कई सारे इनिशिएटिव शुरू हुए हैं जैसे सेमी मिशन शुरू किया गया है चिप टू स्टार्टअप प्रोग्राम शुरू किया गया है एक और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम चल रहा है हमारे देश में जिसमें अलग अलग सेक्टर्स में अगर कंपनियां अपना प्रोडक्शन बढ़ाती हैं तो भारत सरकार उनको सब्सिडी देगी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यू प्रोड्यूस मोर एंड यू गेट मोर सब्सिडी फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट इज पीएलआई पीएलआई स्कीम स्कीम के अंतर्गत सेमी को भी एड किया गया है मतलब पीएलआई स्कीम में अब सेमी भी ज्यादा प्रोड्यूस करने पे द सेमी कंडक्टर प्रोड्यूसर्स विल गेट सब्सिडी फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये जो सेमी कंडक्टर मिशन भारत सरकार ने शुरू किया है सेमी कंडक्टर के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए उसी के अंतर्गत साल में एक बार एक कॉन्क्लेव या आप कह सकते हैं कॉन्फ्रेंस बुलाया जाता है जिसका नाम है कॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस तो कॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस अंडर सेमी कंडक्टर मिशन साल में एक बार बुलाया जाता है ताकि सेमी कंडक्टर से रिलेटेड जो बिजनेसेस हैं उनको अट्रैक्ट किया जाए इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए जैसे फॉक्सकॉन वेरी इंपॉर्टेंट कंपनी विच इन द फील्ड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेमी तो उसको इन्वाइट किया गया मुद्दा यह है कि साल में एक बार इस सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत हम लोग इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कराते हैं जहां पे इंटरनेशनल प्रोड्यूसर्स को सेमीकंडक्टर के मैन्युफैक्चरर्स को हम लोग इन्वाइट करते हैं तो वही सेमीकंडक्टर मिशन का जो कॉन्फ्रेंस है उसका सेकेंड एनुअल कॉन्फ्रेंस सेमीकॉन इंडिया हाल फिलहाल में कंडक्ट कराई गई दैट वॉज द रिसेंट न्यूज तो न्यूज तो बस इतना ही था कि द सेकेंड एडिशन ऑफ सेमिकॉन इंडिया वॉज कंडक्टर अंडर इंडियन सेमी कंडक्टर मिशन बट इसी के मदद से हमने सेमी से, से रिलेटेड तमाम सारी चीजें देख ली सेमीकॉन इंडिया ट्वेंटी सेमीकंडक्टर लिमिटेड कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट मेक्स इट वेरी यूजफुल फॉर मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ऑटोमोबाइल मेडिकल डिवाइसेस ईटीसी यूएस ताइवान चाइना एंड साउथ कोरिया और वर्ल्ड लीडर्स इंडिया इज एमिंग टू इंक्रीज इट्स प्रोडक्शन सेमीकंडक्टर कंडक्टर अंडर पी स्कीम लाया गया है चिप टू स्टार्टअप प्रोग्राम लाया गया एंड सेमी मिशन रिसेंटली सेकेंड एडिशन ऑफ सेमिकॉन इंडिया के बेसिसक्शन देखिए साल दो हजार इक्कीस में आसम सरकार ने यानी कि बीस से दो साल पहले आसाम सरकार ने फैसला लिया कि हर साल अट्ठाईस जुलाई को हम लोग देशभक्ति दिवस ऑब्जर्व करेंगे देशभक्ति दिवस 28 जुलाई को इसलिए हम लोग ऑब्जर्व करते हैं बिकॉज जुलाई इज डेथ एनिवर्सरी ऑफ देशभक्त तरुण राम फुकान जी को टाइटल दिया गया है देशभक्त का और उनके डेथ एनिवर्सरी थी कल और उस तारीख को हम लोग देशभक्ति दिवस की तरह ऑब्जर्व करते हैं पूरे आसाम में तो तरुण राम फुकान जी को देशभक्त कहा जाता है उनको एक ये उपाधि दी गई है एपिथेट दिया गया है देशभक्त का तो तरुणराम फुकांजी पहले कांग्रेस के लीडर थे आजादी से पहले इंटरनेशनल कांग्रेस के लीडर थे एंड ही प्लेड ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इनवाइटिंग महात्मा गांधी टू असम इन 1921 व्हिच वाज बेसिकली द फर्स्ट विजिट ऑफ महात्मा गांधी टू असम और उन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया तरुणफुकांजी ने कांग्रेस के पहले सेशन को असम में कराने में दैट वाज हेल्ड इन 1926 एट पांडु लेकिन बाद में धीरे धीरे कांग्रेस के जो टॉप मोस्ट लीडरशिप है उनसे तरुण राम फुकान जी के डिफरेंसेस क्रिएट होने लगे और उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बनाई इसका नाम है असम जनसंघ दिस असम जन संघ वॉज क्रिएटेड इन थर्टी सिक्स देशभक्ति दिवस ट्वेंटी जुलाई डेथ एनिवर्सरी ऑफ तरुण राम रोल इन महात्मा गांधी लेटर ऑन ड्यू टू डिफरेंसिस विद कांग्रेस ही इड आसाम जनसंघ इन थर्टी सिक्स कल जब हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था इसमें से कोल्ड करंट कौन से होंगे हमने पहले ही देख लिया था गल्फ स्ट्रीम एंड नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट और एंड ड्रिफ्टोडोर इज कोल्ड तो करेक्ट आंसर कम्स आउट टू बी एंड इनवेट स्पेसिस स्पेशलिस्ट ग्रुप इज एसोसिएटेड विथ आई यू सी एन एंड इंडियाज ओल्डेस्ट फर्टिलाइजर प्लांट तो नहीं है क्योंकि इंडियाज ओल्डेस्ट फर्टिलाइजर प्लांट तो नाइनटीन जीरो सिक्स में लाया गया था तमिलनाडु में तो नामरू फर्टिलाइजर तो इज नॉट इंडिया ओल्डेस्ट फर्टिलाइजर प्लांट इट इज वर्ल्ड ओल्डेस्ट ओल्डेस्ट गैस बेस्ड फर्टिलाइजर प्लांट वो भी नहीं है इट इज एशियाज ओल्डेस्ट गैस बेस्ड फर्टिलाइजर प्लांट नॉट वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाता है टुडे थैंक्स फॉर वॉचिंग